Hello. Today we are going to see a dart posture which will create a pressure on your abdominal. आपके abdominal में एक बढ़िया सा pressure create करता है, which will help in case of release your gases और साथ ही में कहीं ना कहीं आपको digestion में भी help करता है. ये posture का नाम है मत्स्येंद्र आसन. मत्स्येंद्र का मतलब क्या होता है? मत्स्य यानी कि fish, इंद्र मतलब लॉर्ड की बात हो रही है, मींस गॉड की बात हो रही है. लॉर्ड ऑफ फिश और यू कैन से अ गॉड ऑफ फिश. नाउ ये करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम कुछ प्री प्रैक्टिसेस या फिर हम कह सकते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं मत्स्येंद्र आसन के लिए, उसके बाद हम मत्स्येंद्र आसन करते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम थोड़ा वन साइड बाय साइड थोड़ा स्ट्रेच लेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड एंड रिलैक्स. थोड़ा साइड ट्विस्टिंग, हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखते हुए लेफ्ट बैकवर्ड राइट बैकवर्ड हमें मुड़ना है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड रिलीज. नाउ पैरों के साथ हम यहाँ पर करेंगे. व्हाट यू हैव टू डू इज पैरों को सीधा रखते हुए हम थोड़ा पैरों की उंगलियों को स्ट्रेच बैंड कर लेंगे. सो बोथ लेग्स विल बी स्ट्रेट ऑन द फ्लोर. स्ट्रेच योर टोज आउटवर्ड बेन इनवर्ड अगेन आउटवर्ड बेन इनवर्ड आउटवर्ड स्ट्रेच बेन इनवर्ड. रोटेट योर एंकल्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नाउ नॉर्मल कम बैक टू सुखासना. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ा अपने शोल्डर्स को यहाँ पर रोटेट कर लेंगे. बिकॉज हम यहाँ पर क्या करते हैं वन साइडेड प्रॉपरली ट्विस्ट करना होता है, तो वी नीड सम काइंड ऑफ शोल्डर रोटेशन एज वेल. सो क्लॉकवाइज रोटेट योर शोल्डर्स वन टू थ्री एंड फोर. नाउ एंटी क्लॉक फोर थ्री टू एंड वन. ओके नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज नेक रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज वन क्लॉकवाइज टू नाउ एंटी क्लॉकवाइज वन एंड एंटी क्लॉकवाइज टू एंड नॉर्मल. नाउ वी आर प्रॉपरली रेडी फॉर मत्स्येंद्र आसन. सो मत्स्येंद्र आसन बेसिकली आपको क्या करना होता है, आई वॉन्ट कि आप लोग अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए. बोथ द लेग्स विल बी स्ट्रेट ऑन द फ्लोर. सीधा रखने के बाद व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज अपने लेफ्ट लेग को राइट साइड हिप्स के पास आपको लेकर जाना है. आपको अपने एड़ियों पर बैठना नहीं है, उसे बाहर की ओर निकालते हुए रखना है. देन राइट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट लेग के थाइस के उस तरफ हम रखेंगे स्टैंड में. देन राइट हैंड जाएगा पीछे की ओर बैकवर्ड, लेफ्ट हैंड होगा अपने राइट लेग के आगे की ओर. एंड यू हैव टू होल्ड व्हाइल लुकिंग टू द बैक साइड. आपको इसे प्रेस करना है. जब आप इसे प्रेस करोगे देन यू विल गेट द प्रेशर ऑन योर बेली. आप इसे घुटनों को कहीं ना कहीं पकड़ते हुए रख सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा ना कि वो प्रेस रहेगा
और अच्छी तरीके से एक कॉन्ट्रैक्शन, एक प्रेशर आपके एब्डोमिनल में क्रिएट हो रहा होगा. सेम विद द अनदर साइड वी आर गोइंग टू डू. नाउ फोल्ड योर राइट लेग, टेक इट टू द लेफ्ट लेग हिप्स एंड लेफ्ट लेग को इस तरीके से आपको स्टैंड में रखना है. स्टैंड में रखने के बाद लेफ्ट हैंड विल गो बैकवर्ड, राइट हैंड विल कम इन फ्रंट एंड प्रेस योर लेफ्ट लेग by holding your right knee. Hold there. You can look to the left side or left backward. Slowly release. So you will find a pressure on your abdomen, right? अब यहाँ पर क्या करता है, आपके abdominal muscles के ऊपर काम करता है, right? जिन्हें भी कहीं ना कहीं हमेशा से ही acidity की issues सही होती है. Somebody who has a digestion problems or you can say a bloatingness in your body, तब आप उसे इस समय कहना कि ये मसेंद्र आसन कर सकते हो, जिससे क्या होता है, प्रेशर आपके abdominal में क्रिएट करता है और जो कहीं ना कहीं जो प्रेशर्स है जो आए हुए हैं वो रिलीज करने में वहाँ से हेल्प मिलती है आपको एब्डोमिनल के लेते हुए, क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके एब्डोमिनल में आ जाता है, जिससे क्या हो जाती है कहीं ना कहीं जो आपने खाया होता है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प मिल जाती है. तो ये पोस्चर भी आपको आपको खाना खाने से पहले ही करना होगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ समय पहले भी कर सकते हो. जैसे कि आप 1 बजे लंच करते हो तो आपने कर लिया इसे 10 बजे या फिर 9 बजे भी कर सकते हो, बट आफ्टर योर लंच एंड डिनर इसे नहीं करना, ठीक है. होल्डिंग आप रख सकते हो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, हैज मच योर कैपेसिटी, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इसे होल्ड करना होगा. तो दिस इज ऑल्सो एन आहार प्रैक्टिस विच इज मत्स्येंद्र आसन. थैंक यू.